दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के 5 बहुत बड़े हिल स्टेशन यानी नैनीताल, रानीखेत, कोसानी, मुनस्यारी और अल्मोड़ा के फुल टूर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी आप कैसे बहुत कम बजट में इन सभी 5 हिल स्टेशंस को एक साथ घूमने जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं आपको मिनिमम बजट विद मैक्सिमम कंफर्ट के आधार पर फुल टूर प्लान बताने जा रहा हूँ। बेहद कम बजट में आप 5 हिल स्टेशन को एक साथ 6 से 7 दिन में आसानी से घूम सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज उत्तराखंड का पूरा कुमाऊं क्षेत्र घूमते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये टूर यानी कुमाऊं क्षेत्र का फुल टूर कब और कैसे करना चाहिए। कुमाऊं डिवीजन के इस टूर को करने का बेस्ट समय है फरवरी से लेकर नवंबर तक। आप किसी भी मंथ में इस टूर को कर सकते हैं, उस समय यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। वैसे मैंने नैनीताल, रानीखेत, कोसानी, मुनस्यारी और अल्मोड़ा की एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना के रखी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग सिटी की भी अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फुल टूर को कैसे करना है। देखिए, आपको नैनीताल अर्ली मॉर्निंग पहुंचना होगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ऑब्वियसली नाइट में चलेंगे तो अर्ली मॉर्निंग आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। डे 1 आपको नैनीताल में ही बिताना है। इस पूरे दिन आप नैनीताल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में आप नैनी झील में एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, नैना देवी टेम्पल घूमने जा सकते हैं, माल रोड पर एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। एक दिन में आप पूरे नैनीताल के आसपास की सभी साइट्स को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। नाइट स्टे आपको नैनीताल में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नैनीताल में स्टे नहीं किया तो फिर इस जर्नी का फायदा क्या है। लेकिन नैनीताल में अगर आप स्टे करते हैं तो नैनीताल में जो होटल के चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे, तो ऐसे में आपकी बजट कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन नैनीताल की नाइट लाइफ को एंजॉय कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो से जुड़े रहिए, अंत तक इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देख लीजिए। शाम तक नैनीताल को एंजॉय करने के बाद आप नैनीताल से रानीखेत की ओर निकल पड़िए। नैनीताल से रानीखेत का बीच की दूरी करीब 58 किलोमीटर है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का मात्र आपको समय लगेगा और आप रानीखेत पहुंच जाएंगे। नैनीताल से रानीखेत जाते वक्त आपको कुछ अलग अलग साइट्स विजिट करने के लिए मिलेंगी, जैसे कैंची धाम, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट कैंची धाम जाते हैं, तो आप उस साइट्स को विजिट करते हुए आप रानीखेत 2 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे। नाइट स्टे आपको रानीखेत में ही करना होगा। रानीखेत में होटल 500, 600, 700 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये होता है आपका डे 1 का प्लान। नेक्स्ट डे यानी डे 2 में आप जब रानीखेत में मॉर्निंग में उठेंगे तो इस पूरे दिन आप रानीखेत को एंजॉय कीजिए। रानीखेत में बहुत सारी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। रानीखेत एक कंटेनमेंट जोन है, छावनी परिषद है, तो रानीखेत में आपको बहुत ही सुंदर नजारे देखने के लिए मिलेंगे। रानीखेत में आप रानी झील देखने जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर एडवेंचर से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। एक एडवेंचर पार्क भी है, वहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आप बहुत मिनिमम कॉस्ट में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। आप रानीखेत की शॉल फैक्ट्री को देखने जा सकते हैं। आप रानीखेत के बहुत सारे अलग अलग पार्क जैसे स्मृति वन या आशियाना पार्क, यहाँ घूमने जा सकते हैं। एक दिन आप रानीखेत में बिताइए, ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक आप पूरे रानीखेत को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब आपको उस दिन रानीखेत से कोसानी की ओर निकल जाना होगा। रानीखेत से कोसानी के बीच की दूरी भी मात्र 58 किलोमीटर है। इस 58 किलोमीटर की जर्नी में आप हिमालय पर्वत के बेहद खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करेंगे। पूरी जर्नी आप एंजॉय करते हुए
में आसानी से शाम तक कौसानी पहुंच जाएंगे, यानी डे टू की इवनिंग में आप कौसानी में मौजूद होंगे। इस पूरे टूर को आपको करना कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो नाइट स्टे आपको डे टू का कौसानी में ही करना होगा। कौसानी में भी होटल बहुत महंगे नहीं है, 400-500 रुपए में बहुत अच्छे रूम कौसानी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कौसानी जाना जाता है अपने बहुत खूबसूरत व्यूज के लिए। यहाँ से आप नंदा देवी पीक, पंचाचुली पीक के बहुत खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने तो कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड तक से की थी, तो कौसानी भी बहुत खूबसूरत जगह है। नाइट स्टे आप डे टू का कौसानी में करेंगे। डे थ्री में आप कौसानी को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। कौसानी में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है। आप वहाँ के गांधी आश्रम जा सकते हैं जो एक वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वहाँ से आप रुद्रनाथ वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, उसे देखने जा सकते हैं। कौसानी में आप टी स्टेट को भी घूमने जा सकते हैं। कुछ लोकल आसपास की साइट्स को विजिट करने के बाद कौसानी से आप मुनस्यारी की ओर निकल सकते हैं। आफ्टरनून में जब आप कौसानी से मुनस्यारी की ओर निकलेंगे तो कौसानी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कौसानी टी एस्टेट है, जहां पर आप चाय के बागान देखेंगे। यहां के चाय के बागान पूरे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और कौसानी से मुनस्यारी जाते वक्त 17 किलोमीटर की दूरी पर आप बैजनाथ पहुंचेंगे, जहां आप भोले बाबा के मंदिर देखेंगे। गोमती नदी के किनारे बना ये बैजनाथ धाम अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इन सब साइट सीन को एंजॉय करते हुए आप मुनस्यारी की ओर निकलेंगे। कौसानी से मुनस्यारी के बीच का डिस्टेंस मात्र 164 किलोमीटर है। 5-6 घंटे में आप मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। कौसानी की लोकल साइट्स को विजिट करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप आफ्टरनून में अगर निकलते हैं तो इवनिंग तक आप मुनस्यारी पहुंच जाएंगे सभी साइट्स को विजिट करते हुए। कौसानी से मुनस्यारी तक का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। इस पूरी जर्नी में आप बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार नजारे देखेंगे। इन सभी नजारों को एंजॉय करते हुए, इन सभी व्यूज को एंजॉय करते हुए आप मुनस्यारी पहुंचेंगे। तो डे थ्री में आपको मुनस्यारी नाइट स्टे करना होगा। मुनस्यारी में होटल बहुत महंगे नहीं है। मुनस्यारी में भी आपको आसानी से 400-500 या 600 रुपए से होटल की स्टार्टिंग हो जाती है। मेन बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड के चारों तरफ ही बहुत सारे होटल हैं, जहां 400-500 रुपए में बहुत आसानी से होटल अवेलेबल हो जाते हैं। मुनस्यारी नाइट स्टे करने के बाद डे फोर में आप मुनस्यारी की लोकल साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। वहां पर आप नंदा देवी मंदिर देखने जा सकते हैं, जो मुनस्यारी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये वो जगह है जहां से आप पंचाचुली पीक के भी बहुत नजदीक से व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। ये जर्नी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आप वहां के म्यूजियम को देखने करने जा सकते हैं, जो 6 किलोमीटर की एक पैदल ट्रैकिंग है। यहां से आप पंचाचुली पीक पर को बहुत नजदीक से देख पाएंगे। टॉप पर जाने के बाद आप यहां बहुत ज्यादा स्नो भी देखेंगे, स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से डे फोर आपके लिए मुनस्यारी एंजॉय करने के लिए काफी है। आप चाहें तो नाइट स्टे दोबारा मुनस्यारी कर सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में ही आप सारी साइट सीन को कवर कर पाएंगे, और नाइट में मुनस्यारी से रिटर्न होना या आगे निकलना एक सेफ ऑप्शन नहीं है। तो नाइट स्टे आप डे फोर में भी मुनस्यारी में ही कर सकते हैं। मुनस्यारी की खूबसूरती वाकई में काबिले तारीफ है। मुनस्यारी में 2 रात रुकना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो नजारे आप मुनस्यारी में देखेंगे, जो व्यूज आप मुनस्यारी में देखेंगे, वो शायद आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। डे फोर में भी आपको नाइट स्टे मुनस्यारी में अगर आप कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। डे फाइव में आप जब आप उठेंगे तो आप मुनस्यारी की कुछ दूसरी साइट्स जो अगर आपसे छूट चुकी हैं वो कर सकते हैं। आप वहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो गौरी गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है तो ट्रैकिंग कर सकते हैं। थमरी कुंड जा सकते हैं। वैसे ये थमरी कुंड आप खलिया टॉप जाते वक्त भी कवर कर सकते हैं। तो डे फाइव में आप अगर आप मॉर्निंग में कुछ साइट्स को विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके बाद आप अल्मोड़ा के लिए निकल जाइए, क्योंकि मुनस्यारी से अल्मोड़ा के बीच की दूरी करीब 198 किलोमीटर या अराउंड 200 किलोमीटर के समथिंग है। तो उसमें कुछ ज्यादा समय आपको लग सकता है, यानी इवनिंग तक ही आप अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे अगर आप मॉर्निंग में मुनस्यारी से निकलते हैं। तो डे फाइव में आपको अल्मोड़ा में स्टे करना पड़ेगा, और नाइट में आप अल्मोड़ा के माल रोड को घूम सकते हैं। कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी डे सिक्स में आप अल्मोड़ा की साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। अल्मोड़ा जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए। अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, तो कुछ मंदिर कुछ दूरी पर स्थित हैं, जैसे जागेश्वर धाम या चितई टेंपल, जिसे गोलूदेवता टेंपल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डे आप उन सभी साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। डियर पार्क को आप देखने जा सकते हैं, और अल्मोड़ा में स्थित सिमतोला इको पार्क को आप देखने जा सकते हैं। तो डे सिक्स में आप अल्मोड़ा की इन सभी साइट्स को विजिट कर सकते हैं। नाइट स्टे आपको फिर से अल्मोड़ा में ही करना होगा। डे सेवन में आप अल्मोड़ा से बिनसर जा सकते हैं, जो अल्मोड़ा से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिनसर जाते वक्त ही आप रास्ते में 2 साइट सीन को विजिट कर सकते हैं। एक है सिमतोला इको पार्क, दूसरा है
कसार देवी मंदिर। दोनों जगह विजिट करने के बाद आप आगे बिनसार के लिए निकल जाइए। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ आप इंजॉय करने जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखने जा सकते हैं। यहाँ से आप जीरो पॉइंट के लिए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए बिनसार एक बहुत अच्छी जगह है। इन सभी अलग अलग हिल स्टेशन के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी हुई है। किस हिल स्टेशन में आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डे 7 में अल्मोड़ा की बिनसर को एंजॉय करने के बाद वापस इवनिंग में अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो इस तरह से आप 7 दिन में इस पूरे टूर को एंजॉय कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि इस टूर को करना कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, बसेस यूज करनी है, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना है, कैसे आप मिनिमम बजट में इस टूर को कर पाएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि इस पूरे टूर में आपको फूड से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा। सभी जगहों पर ऑर्डिनरी फूड आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। टोटल कितने दिन का टूर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 7 दिन और 8 रातों का ये टूर रहेगा। 2 रात आपकी ट्रेवलिंग में निकल जाएंगी, 6 नाइट का आपको स्टे करना होगा और 7 दिन आपको मिलेंगे सभी हिल स्टेशन को घूमने के लिए। अब बात करते हैं कि ये टूर आपको करना कैसे है। देखिए ऑप्शन 3 है। पहला ऑप्शन है आप बस इससे कर लीजिए और वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज कर लीजिए, लेकिन ये मिनिमम बजट की कैटेगरी में फिट बैठता है लेकिन मैक्सिमम कंफर्ट की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन और फ्लाइट को यूज करके आप काठगोदाम या पंतनगर तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद वहां से लोकल टैक्सी या बसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैक्सिमम कंफर्ट की कैटेगरी में तो फिट है लेकिन मिनिमम बजट की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट टैक्सी हायर करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है रेंटेड टैक्सी। अब सवाल ये उठता है कि रेंटेड टैक्सी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग इसको करते हैं तो बहुत कम बजट में आप इस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। वो कैसे होगा, चलिए बजट की बात करते हैं। देखिए अगर आप मिनिमम बजट और मैक्सिमम कंफर्ट के साथ इस ट्रिप को करना चाहते हैं तो रेंटेड टैक्सी सबसे बेस्ट है। रेंटेड टैक्सी से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंट के थ्रू या एजेंसी के थ्रू आप इस टूर को बुक कर लें, वहां आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जनरली सभी शहरों में कुछ लोकल टैक्सी आसानी से अवेलेबल होती है जो दूसरे शहरों में दूसरे हिल स्टेशन पर घूमने ले जाते हैं, तो वहां पर जो चार्जेस होते हैं उनके बहुत कम होते हैं। 9 रुपए किलोमीटर, 10 रुपए किलोमीटर, 11 रुपए किलोमीटर, 12 रुपए किलोमीटर, इस तरह से आसानी से कोई भी कार रेंट पे मिल जाती है। इस पूरी जर्नी में अगर दिल्ली से बात करूं तो इस पूरी जर्नी में आपकी कार जो चलेगी वो करीब 1250 किलोमीटर चलेगी और 10 रुपए किलोमीटर में आसानी से दिल्ली गाजियाबाद या किसी भी शहर में आसानी से कार अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से 12,500 रुपए में आपकी वो कार बैठेगी जिसमें ड्राइवर की नाइट और फूड को अगर जोड़ दिया जाए तो 1600 प्लस 1400 और टोटल कार करीब 15,500 यानी 15,500 में वो कार अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस टूर को करना कैसे है। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, चार दोस्त हैं, अगर आप कपल हैं तो 2 कपल आप इकट्ठा हो जाइए, 4 दोस्त इकट्ठा हो जाइए या 4 स्टूडेंट जो भी हैं वो सब लोग इकट्ठा हो जाइए और शेयरिंग पे इस टूर को कर सकते हैं, जिसमें पूरे टूर में आपके 6 रात का होटल का खर्चा मात्र 3600 के अराउंड आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप सर्चिंग कर लेते हैं, सर्च करने का टैलेंट आपके अंदर है, तो आप आसानी से 3600 रुपए में 6 रात का स्टे कर पाएंगे अलग अलग हिल स्टेशन पर। तो इस तरह से टोटल 19,100 रुपए बैठता है कार का प्लस होटल का। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 लोगों से, अगर आप 4 दोस्त हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं मात्र 4,775 रुपए में। फूड का एक्स्ट्रा लगा देते हैं, एक बंदे का 6 या 7 दिन का फूड का कॉस्ट बैठेगा करीब ऑर्डिनरी फूड का 2500 रुपए का। अगर आप कॉकटेल मॉकटेल में अफदारी करते हैं तो वो खर्चा आपका अलग रहेगा, तो 2500 रुपए इसको ऐड कर देते हैं तो ग्रैंड टोटल आपका 7,275 रुपए हो जाता है 5 बड़े बड़े हिल स्टेशन को घूमने का, यानी जिसमें आपकी घर से पूरे हिल स्टेशन को घूमते हुए वापस घर पर आएंगे मात्र 7,275 रुपए में, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट, खाना और रहना सब चीज इंक्लूड रहेगा। अब इसको कर देते हैं 5 से डिवाइड, यानी एक हिल स्टेशन का मात्र आपका 1455 रुपए बैठेगा। 1455 रुपए में आप एक हिल स्टेशन को कवर कर पा रहे हैं और 7,275 रुपए में आप इन 5 हिल स्टेशन को बहुत इजीली मिनिमम बजट विद मैक्सिमम कंफर्ट के आधार पर एंजॉय कर पाएंगे। इन सभी हिल स्टेशन की अलग अलग वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी वीडियो के मिलेंगे, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, ना अच्छी लगी, क्या पसंद नहीं आया, क्या आप जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी बहुत सारे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस टूर को करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कब और कैसे करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।